लेंस मेकर के ऊपर और क्वेश्चन दिया जा रहा है. कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज डिप्ड इन अ लिक्विड विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन द लेंस. मतलब ये एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. अब इसको हमने एक लिक्विड में डिप कर दिया, लिक्विड में, इसको लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड के अंदर रख दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कह रहे हैं लेंस से कम है. मतलब लेंस को रखा एक ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है. द नेचर ऑफ लेंस विल, अब जब भी किसी लेंस को एक ऐसे मीडियम में रखेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो नेचर विल नॉट चेंज. तो द नेचर ऑफ लेंस विल नॉट चेंज. मतलब अगर वो कॉन्वेक्स नेचर का है तो कॉन्वेक्स नेचर का ही रहेगा. एंड द फोकल लेंथ विल, फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी एंड द फोकल लेंथ विल इंक्रीज. अगर किसी भी लेंस को ऐसे मीडियम में डिप करा, मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो अगर वो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स ही रहेगा, और अगर वो कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव रहेगा, बट उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी. दूसरा देखो, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज डिप्ड इन अ लिक्विड विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन द लेंस. अब हमने डिप करा ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा है. द नेचर ऑफ लेंस विल चेंज, विल चेंज, वो बदल जाएगा. अगर वो कॉन्वेक्स है तो वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा विद चेंज इन फोकल लेंथ. फोकल लेंथ में चेंज आ जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है कि बढ़ेगा या कम होगा, बट फोकल लेंथ बदल जाएगा. वो वैल्यूज पे डिपेंड करेगा. कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज डिप्ड इन अ लिक्विड विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम एज लेंस, द फोकल लेंथ विल बिकम इनफाइनाइट. अगर किसी लेंस को आपने ऐसे मीडियम में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के सेम है, द फोकल लेंथ विल बी इनफाइनाइट. वो लेंस की तरह काम ही नहीं करेगा.